कैसा लगा आपका फर्स्ट रिएक्शन मेरे को कैप्चर करने का है ऑन कैमरा? हाय, व्हाट अ बाइक! क्या बोल रहे? बाइक, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस! मजा आ गया, किलर किलर! थैंक यू थैंक यू। अरे तो निकल ही गए। सो अभी आशीष भाई को दिया है मैंने गाड़ी राइड रिव्यू करने के लिए आफ्टर द इश्यू फ्लैश। तो लेट्स सी आशीष भाई को कैसा लगता है। तो YouTube फैमिली, जैसे कि आप जानते हो अपनी CBR Fireblade है, उसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने किए हुए हैं। और आपने इसके प्रीवियस वाला जो व्लॉग है वो तो ज़रूर देखा रहेगा, जिसमें मैंने पूरा का पूरा जो पार्ट्स अपडेट है जो कंपनी के सर्विस सेंटर में से किया था उसके बारे में मैंने कहा था। तो अपना वो वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा रहेगा तो अभी के अभी जाके वो वाला व्लॉग देख लो। एंड हेलो YouTube फैमिली, कैसे हो आप लोग? सो आज मैं राइड पे आया हूँ अपनी फायर ब्लेड को लेके। अपने साथ आशीष भाई भी आए हैं, यहाँ पे है। और आज का जो व्लॉग होने वाला है अपने फायर ब्लेड का जो दूसरा अपडेट है, जो काफ़ी बड़ा अपडेट है, उसके बारे में। सो स्टे ट्यून एंड चलते हैं राइड पे। सो अभी आशीष भाई को दिया है मैंने गाड़ी राइड रिव्यू करने के लिए आफ्टर द इश्यू फ्लैश। तो लेट्स सी आशीष भाई को कैसा लगता है अपना फायर ब्लेड आफ्टर द इश्यू फ्लैश। तो आशीष भाई को मैंने बाइक इसके लिए दिया है क्योंकि आपको जानते ही रहेंगे आशीष भाई को। आशीष भाई ने पहले बाइक चलाया है अपना। अरे तो निकल ही गए। सो लेट्स सी आशीष भाई का क्या रिव्यू है अपने बाइक के ऊपर। सो हाउ वाज द राइड आशीष भाई? आशीष भाई का एक्सप्रेशन से इतना कुछ कह रहा है कि मैं एग्जैक्टली उनको रिव्यू करने जो बोल रहा हूँ वो क्या करेंगे बेचारे। कैसा लगा आपका फर्स्ट रिएक्शन मेरे को कैप्चर करने का है ऑन कैमरा? हाय, व्हाट अ बाइक! क्या बोल रहे? बाइक, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस! मजा आ गया, किलर किलर! थैंक यू थैंक यू। अभी हम लोग फ्लाइंग ब्रो, क्या बात कर रहे हो। अभी हम लोग ऐसा लग रहा है कि मतलब जस्ट पिक्ड अप फ्रॉम द शोरूम इटसेल्फ, लाइक इट्स सो फकिंग डेंजरस, इट्स फकिंग सो स्मूथ। थैंक यू थैंक यू। सो आई गॉट द एग्जैक्ट फर्स्ट रिएक्शन। द मोमेंट आई जस्ट एक्सेलरेट, आई मीन मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी कहाँ जा रहा है। क्या बात है यार, 200 220 कभी पहुंच रहा है पता ही नहीं चल रहा है। वाओ मैन। सो अपना राइड रिव्यू जो है आशीष भाई का वो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, बिकॉज उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स बैक अपनी बाइक चलाई थी। आपने वो वाला व्लॉग देखा ही रहेगा। तो अभी आशीष भाई से हम लोग पूछते हैं कि उनको एग्जैक्टली अपनी फायर ब्लेड में क्या चेंज लगा। ठीक है, चलिए। सो आशीष भाई, आपने 2 महीने पहले बाइक चलाई थी, तो आज आपने ये बाइक चलाई, आपको कैसे लग रहा है आप मुझे बताओ। भाई एक बात मैं देखो बता दूँ, बाइक मैंने पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा खासा डिफरेंस मेरे को दिखा है कंपेरेटिवली। पहले जो मैंने चलाया था गाड़ी में, नो डाउट
इट इज 1000 cc, इट वॉज परफॉर्मिंग वेल, ओके, बट नाउ इट इज परफॉर्मिंग टू इट्स ऑप्टिमम लेवल. क्या बात कर रहे हो, मतलब भाई गाड़ी का परफॉर्मेंस इतना बूस्ट हो गया है ना. अच्छा, या एंड वॉट एवर द मॉडिफिकेशन, वॉट एवर द रीमैपिंग हैज बीन डन ऑन द बाइक, इट इज सो गुड, हैज मेड द इंजन सो स्मूथ. द बेस्ट पार्ट इज द मोमेंट यू ओपन द थ्रॉटल, ओके, इट इज बिकमिंग सो रिस्पॉन्सिव. इंस्टेंट रिस्पॉन्स जो मुझे एक चाहिए ना, हाँ. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाइक से, okay. जो एक नया बाइक के फीलिंग में आता है वो मुझे फीलिंग मिल रहा तो है. इसका मतलब है अपने बाइक में पहले जो लैग वगैरह था वो कुछ भी नहीं है. लैग वर्ड डिक्शनरी से और ये बाइक के टर्मिनोलॉजी से निकाली दू कम्प्लीटली. मतलब एब्सोल्युटली ये बाइक का ना जो परफॉर्मेंस अभी है ना, अच्छा, मतलब भाई नजर ना लगे इतना, मतलब मैं खुश हुआ ना, इतना इम्प्रेस हुआ ना भाई. Okay. मतलब ये चीज़ है ना, करने के बाद मुझे लगता है इसका फ्यूल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो गया है, परफॉर्मेंस इतना बूस्ट हो गया है, ओके, द इंजन हैज बिकम सो स्मूथ, द मोमेंट आई एम ओपनिंग द थ्रॉटल स्मूथली एंड आई एम एबल टू ओपन इट कॉन्स्टेंटली, लाइक यू नो इट्स नॉट दैट कि मैं उसको खोल के ऐसा लैग फीलिंग आ रहा है या जर्किंग हो रहा है या मिस हो रहा है किधर, ओके, एरर्स फील होते हैं. You know, these kind of issues you start feeling when your bike tends to become older. So, basically, it is ultimate. Gajab. Okay. अपनी बाइक जो है 49,051 kilometers चल चुकी है और जो एवरेज है वो 16.6 का अभी बता रहा है और इसके पहले एवरेज जो था अपना 14 दिखा रहा था. So generally my Fireblade used to give average approximately 17-18 on highways and agar ekdam properly chalao to 19 ka bhi deti thi, but after the ECU flash average 1-2 se to definitely gira hai. Okay, to ye cheez aap dhyan mein rakhna ki efficiency jo hai, fuel efficiency wo thoda kam ho jayega. बट ये चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा लाइक सिक्स्थ गियर पे एंड सी जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स आ रहा है ना गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो नाउ माय बाइक इज मैकेनिकली साउंड, इलेक्ट्रॉनिकली भी साउंड हो चुका है और अपनी बाइक की लाइफ और 10 साल एकदम बिंदास बढ़ चुकी है. तो अगर आपको ऐसा ही कुछ सोच रहे हो टू मेंटेन अ सिंगल बाइक, यू कैन डेफिनेटली डू व्हाट आई डिड. This time you crossed the line.